पूरा देश दुखी है, जब से सुना है गौरव सेज कर दे भाई बूम ओके। हम लोग जहाँ भी कल थे सब जगह लोग दुखी हुए हैं, स्वाभाविक है। अब तो इन तो जो मृतक है उनके परिवार वाले को हिम्मत प्रदान करे, ईश्वरी तो कह सकते हैं और मैं चाहता हूँ जो घायल है उनको देना है, जो बातचीत भी करी है और डॉक्टर से बात भी करी है। बता रहे थे कल रात भर हम लोगों ने क्या क्या किया, रिपोर्ट भी हमने ली है। मैं समझता हूँ कि पहली जून एक जो घायल हैं जिसके हॉस्पिटल के अंदर यहाँ है और जगह है उनका अच्छा इलाज हो जाए, मेन बात है। बाकी जो ये घटना घटित हुई है ये एक ओवर ब्रिज पे इतने लोगों को अलाउ क्यों किया गया, ये क्वेश्चन होता है। इतने लोग कैसे पहुंच गए, अभी तो वो उसका जो ही था जो हमने सुना है, इतने जल्दी आपने अलाउ भी कर दिया, कहते हैं अभी उसका पूरा टेस्ट भी नहीं हुआ था, या जो कंपनी देख रही है उसने पूरा लाइसेंस भी नहीं लिया इसका जाने का वहाँ। ये तमाम बातें हम लोग सुन रहे हैं। सच्चाई के लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बने, बहुत बड़ी घटना है ये, सरकार को उसकी गंभीरता से लेना चाहिए इसको। कमेटी बने और 3 महीने रिपोर्ट आए जिससे कि अस्तित्व मालूम पड़ सके सच्चाई क्या है, उसके हिसाब से फिर एक्शन भी हो तब लोगों में कॉन्फिडेंस जमेगा, सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी, मेन बात तो देखो ये है। और अभी तो मैंने सुना कोई कमेटी बने, कमेटी को चुप नहीं बना देगा, कमेटी तो अधिकारी को बनती रहती है, अधिकारी तो उसमें जो बनाते हैं इनोवेशन किए होंगे वो अधिकारी होंगे। तो मैं मानता हूँ कि ऐसी घटना के वक्त में एक इंक्वायरी बैठी, 3 महीने रिपोर्ट आए, सबसे बड़ी बात ये है। SIT का गठन तो किया गया है, SIT क्या होती है, SIT तो कोई गठन करता है, कि निष्पक्ष जांच के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता कमेटी बने, तब तो मैं समझता हूँ कि कम से कम न्याय मिलेगा लोगों को। सर ये प्रशासन की तरफ जिनके घरों से मौतें हो गई है उनके आप सोचिए क्या बीतरी होगी इनके घरों पर, कोई कल्पना नहीं कर सकते। क्या और लापरवाही से अगर कोई कैलिमिटी होती है मान लीजिए प्रगति का प्रकोप होता अलग बात थी, देखिए ये मैन मेड टाइप हो गया है, इसलिए अच्छे से सामने आना बहुत आवश्यक है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। मुआवजे की बात करते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 30 लाख मुआवजे की बात की गई, मुआवजे से 30 लाख हुई 50 लाख हो, मुआवजा कोई कंपेंसेशन नहीं कर सकता, मौत जो मृत्यु हो गई है उसको आप खाली मुआवजे से कंपेंसेशन नहीं कर सकती, पर अच्छे मुआवजे मिले वो अलग बात, मिलना चाहिए उनको। पीएम रिलीफ फंड से अलग फंड मिल सकता है, फंड की कोई कमी नहीं है, ना राज्यों में होती है ना केंद्र में होती है, बल्कि वहां तो पीएम केयर फंड और बना हुआ है, एक्स्ट्रा बना हुआ है। ये प्रधानमंत्री आपके मोदी जी आपके स्टेट के हैं, उसके लिए मैं क्या मांग करूँ, पीएम केयर फंड उनके पास, पीएम रिलीफ फंड उनके पास, और यहाँ स्टेट के अंदर सीएम रिलीफ फंड होता है, तो पैसे के लिए कोई कमी नहीं है, लोगों को न्याय मिले मेन बात ये है। क्या स्टैंड रहेगा कांग्रेस से? ये स्टैंड है कि हम लोग कह रहे हैं आपको इमीडिएटली आज ही घोषणा हो हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, निष्पक्ष जांच हो, ये कमीशन बैठाना चाहिए। वो तुमने रात को सुनते ही आज हमारी 5 रैलियां थी विभिन्न क्षेत्रों में गुजरात के अंदर, हमने पोस्टपोन किया, आज कोई काम नहीं करेंगे, इतनी बड़ी घटना हुई तो उनकी उनके लिए हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो आज हमने एक्टिविटी बंद कर दी है, रैली भी हमने प्रस्थगित कर दी है, और एक मैसेज देते हैं और तो क्या कर सकते समाज के अंदर, भाई समाज पूरा ऐसे वक्त में इन परिवारों के साथ खड़ा है जो आज दुखी है तकलीफ में। थैंक यू सर।